ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शाहीरों की शानदार बॉलिंग, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने धूम मचा दी। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की आधी से ज्यादा टीम आउट, हारिस ओफ ने चार शिकार किए। शाहीन शाफरीदी ने दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक एक विकेट हासिल की। तीन मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। 9 मई को जलाओ घिराओ के केस में पेशरफ फवाद चौधरी, अलीमा खान और उज्मा खान समेत तमाम मुलजमान कसूरवार करार। JITs ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। ATC लाहौर ने तमाम मुलजमान को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तौसी। सानिया 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। तमाम 125 मुलजमान फर्द जुर्म के लिए तलब। अली अमीन गंडापुर को भी जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। ATC इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुडिशल कमीशन का इजलास आज 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। आइंदा चंद रोज में स्मॉग की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान। सांस, गले और आंख के अमराज में इजाफा। गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर और लैंड लोअर्स का ऐलान। मरियम नवाज कहती है काश्तकारों की खुशहाली और जरात की बहाली अवलीन तरजीह है। पंजाब के काश्तकार को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, पूरा साथ देंगे। अमेरिका में शरह सूद 4.50% पर आ गई। फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट और मुनफरिद लबो लहजे के शायर नामवर अदीब और दानश्वर जॉन एलिया की 22वीं बरसी। मुनफरिद शायरी की बदौलत मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा। जॉन एलिया को बेपनाह अदबी खिदमात पर हुकूमत ने सरदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।